स्टूडेंट्स, दिस इज इंग्लिश ऑनलाइन क्लास. सो ओपन योर इंग्लिश सेकंड बुक, पेज नंबर 23. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, नाउन्स. नाउन मतलब संज्ञा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही चैप्टर्स कर रहे हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे. तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर 1 आएगा जो आपने मैंने करवा दिया. चैप्टर 2 भी अपना कंप्लीट हो गया. नाउ चैप्टर 6. ओके, सो नाउन संज्ञा. रीड दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़िए. फर्स्ट इज फ्रेड स्लीपिंग. सेकंड, आई वांट टू गो टू द बीच. दिस इज अ डॉल्फिन. आई वांट अ कैमरा. देखिए, सबसे पहले अपन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं. द नाउन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. मतलब द नेम, नाम किसका, पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंक, मतलब किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जानवर का और जगह का. थिंक मतलब जगह. तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह का जो नाम होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. और नेमिंग वर्ड्स को ही क्या बोला जाता है, नाउन. मतलब देखो, अपने सीधा सा याद रखना, नेमिंग वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. मतलब किसी का भी नाम अगर आता है तो वह नाउन होता है, भले वह किसी पीपल का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो या फिर किसी थिंग का नाम हो. ऊपर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है देखिए, फ्रेड स्लीपिंग. फ्रेड ये जो सो रहा है, फ्रेड सो रहा है. तो फ्रेड इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एक इंसान का नाम है. ठीक है, आई वांट टू गो टू द बीच. मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं बीच पर जाना चाहता हूँ. तो बीच किसका नाम है, एक प्लेस का नाम है. दिस इज़ अ डॉल्फिन. तो डॉल्फिन एक एनिमल का नाम है. एंड आई वांट अ कैमरा. कैमरा एक थिंग का नाम है. तो किसी भी नेम, किसी भी पीपल का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का अगर नाम आता है तो वो क्या होता है, नाउन. तो इन सेंटेंसेस में कौन कौन से नाउन हैं, फ्रेड, बीच, डॉल्फिन एंड कैमरा. समझ में आया, मतलब किसी भी प्लेस का, पीपल का, एनिमल का और थिंग का नाम अगर आता है तो उसे अपन नाउन बोलेंगे. जैसे क्लास नाउन है क्योंकि जगह का नाम है. मैं आपका नाम बोलूँ अमन, सुरेश, नीता, रीता, क्या है, नाउन है क्योंकि ये भी किसी का नाम है. किसी सिटी का नाम बोलूँ जैसे जयपुर, उदयपुर, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी नाम हुआ क्योंकि सिटी का नाम है. नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स बट हैज़ बीन डन फॉर यू. ये जो नीचे दिए हुए हैं इनमें हमें उन्हें सर्कल करना है जो कि नाउन नहीं है. देखिए, मंकी जानवर का नाम है, ट्री पेड़, क्लाइंब चढ़ना. क्लाइंब क्या है, एक वर्ब है. क्या है, वर्ब. तो ये नाउन नहीं है सो इसको इसने सर्कल बनाया है. और जंगल वर्ब, जंगल भी एक नाउन है क्योंकि जंगल जैसे कोई भी जंगल हो सकता है, नाम है किसी का, किसी जगह का. स्कूल मिनी, टीचर गॉस. स्कूल नाम है, मिनी नाम, स्कूल जगह का नाम है, मिनी किसी लड़की का नाम है. टीचर, ठीक है, टीचर भी एक नाम है. गोस, गोस क्या हो गई, वर्ब. तो ये नाउन नहीं है तो हमें इसको सर्कल करना है. स्यू डांसिंग एंड एड. तो इसमें एंड जो है वह क्या है, एक कनेक्टिव वर्ड है. एंड किसी का नाम थोड़ी होता है, और तो हम बोलते हैं ना राम और श्याम, सीता और गीता. तो एंड इसको आप सर्कल कीजिए. पेन पेपर राइट सीजर्स. तो इसमें राइट, ठीक है, राइट मतलब लिखना. मैन शी गर्ल्स बॉयज. गर्ल्स और बॉयज, मैन ये सब तो नाम है लेकिन शी वह है. क्या है, एक प्रोनाउन है. ठीक है, तो ये नाउन नहीं है तो आप इसको सर्कल कर लीजिए. फास्ट कार ट्रेन बाइक. कार ट्रेन और बाइक तो नाम है. जैसे कार कोई भी कार हो सकती है, ट्रेन कोई भी हो सकती है, बाइक कोई भी हो सकती है. बट फास्ट, फास्ट मतलब तेज. ठीक है, तो आप इसको सर्कल कर लीजिए.
इस तरह से नाउन, आज का हमारा टॉपिक नाउन था। इसको आप दोबारा रीड कीजिएगा क्योंकि आपके ये हर क्लास में आएगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो किसी भी प्लेस का, किसी भी पीपल का, एनिमल का और थिंग का अगर नाम होता है तो वह नाउन होता है। क्लियर?